सुप्रीम कोर्ट की आप भाषा नहीं समझे, उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस उनकी व्यवस्था करे जहां कोई चाहिए। किसान आओगा बहुत प्यार से आओगा, ट्रैक्टर चलाओगा चमचमाती सड़कों पर, ना कोई खड्डा है ना कुछ है, कच्चा ट्रैक्टर खेतों में चला गया ऊपर खपड़ रास्तों पे। अरे होगा मार्च, ट्रैक्टर मार्च रुकर लग रहा किसी से, ट्रैक्टर मार्च रोका है, कौन रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? अरे पुलिस रोक रही है, पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर को एज सलूट करेगी सबको। 26 तारीख की तो गाँव की तैयारी कर रहे लोग आवेंगे, वे क्या हमारे से भी रुक रहे अब, ये तो चल दिया उनसे अपना ताम झाम लेकर सब आ रहे हैं। इनसे गाड़ियों से कोई खतरा नहीं है, अगर गाड़ी में कोई कुछ लेकर आ जाएगा उसका खतरा नहीं, ट्रैक्टर तो ओपन है वैसे भी, उसका ना कोई शीशा है ना कुछ वो है ना उसका कोई खिड़की है, आ जान दो, ट्रैक्टर तो अंधाता है भाई, देश का अंधेता है। जो सरकार की रैली परेड है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो ये रोड सबसे अच्छा रोड है और सरकार को मान लेना चाहिए, वो पता नहीं किस नजर से सोच रहे हैं तो नहीं मैनेज कर पाएंगे, हम क्या करें, थोड़ी मिलिट्री है उनके पास है लोग, और स्टेटों से पुलिस बुला लें। तो मेरे को लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, अगर उसकी स्पिरिट को समझो तो पुलिस को हमको एक रूट जो बिल्कुल वो चाहे वो दे देना चाहिए। हमने आउटर रिंग रोड मांगी है तो उस पर वो ट्रैफिक को कंट्रोल करें, जैसे VIP जाता है ना कोई, सारी दिल्ली को जाम कर देते हैं, तो ये तो लाखों किसान जाएंगे के लिए नहीं, वो ट्रैफिक वहाँ से रोक सके ताकि कोई ऐसी दिक्कत ना आए, ट्रैफिक हैबजड ना हो, किसान आराम से जाएं 3-4 घंटे परेड करें और करके अपने कैंप में वापस आ जाए, किसी को कोई डिफिकल्टी भी नहीं है। दिल्ली पुलिस के साथ में वार्ता हो रही है, परसों ज्वाइंट कमिश्नर आए थे हमारे साथ बैठे, बातचीत हुई हो, हमने उनको अपनी राय बता दी है, उन्होंने कहा कि आप भी कोई विकल्प बताइए, हमने कहा आप भी कोई विकल्प सोच सकते हैं तो बताइए आपका क्या प्रपोजल है। नहीं नहीं वो जड़े तो तुसी अंदोलन वाली गल कर रहे हो, कोई सिरे सुरे नहीं लगती, वो तो एवं तरीक भुगतना आए हैं असं, वो तो अगे तरीक पैनी है, वो तो मैं पिछली तरीक दे गया सी, मैं 19 तो अगली तरीक भी होने दे दो, वो तो तरीक ही भुगतनी है। तो ऐसा है कि कितनी मीटिंग्स बेसिटा रही पहले, तो कोई मीटिंग तो सिट्टे वाली हो, ये उम्मीद तो हम रखते हैं, कभी ना कभी तो कोई सिट्टा निकलेगा ना, ऐसे तो स्टेलमेट फॉरएवर तो रहेगा नहीं, पॉलिटिकल मैटर है, इसका सलूशन पॉलिटिकल ही होगा। सरकार जितना मर्जी ये कहे कि वो कमेटी हो सुप्रीम कोर्ट हो, तो सुप्रीम कोर्ट का ये मामला नहीं है, अगर कोई लीगल वैलिडिटी का सवाल आएगा तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर करेगी, अभी लीगल वैलिडिटी का सवाल है नहीं। तो ऐसा कोई प्रपोजल हमारा नहीं है, हमारा तो वही जो प्रपोजल पहले से है वही है, नहीं डिसीजन हो सकता है या सरकार कह दे कि 3 काले कानून वापस लेते हैं हम, नहीं उम्मीद आज डिसीजन की होना चाहिए।